Rahatsız. Abhinandan karo chahab, vandan karo chahab, vandan karo chahab. Hamra sabke beech party ke jila adhyaksh bhai Shri Jeevan Sahni ji Darbhanga ke lokpriya hamar mananiya vidhayak je 5 ber ahank aashirvad prapt karke ab 5 ber aitam sir phir chand maharaj ke kaaj kelen ehan bhai Shri और धन सदे अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार बदल छो जब 24 ईस्वी का दू भाग मिथिला तकर वाजपेयी जी आप के मिथिला के दौरे के काज करे सब आई करे वाजपेयी जी नहीं तो हम मिथिला दू भाग रही हम सहरसा अररिया मुरलीगंज नहीं जा सके छो हां आई कोसी पर रेल यदि चालू भले हन तो क्या करे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ऐ मिथिला के छोड़ के रेल चले रहे कि नहीं बात छे हां बाजवा ने करने के मोदी जी बोल दिन करना ये की बात बोल बात छे ना कोसी पर रेल महासेतु के बन रहे मोदी जी ऐ अटल जी आए ऐ मिथिला में जान आदरणीय मोदी जी मुख्यमंत्री छलाए और आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री छलाए से पहले जे सरकार से लोक सेवा आयोग से मैत्री के हटा देने छल के में संदेह है अगर हिंदर सरकार बनले त मैत्री लोक सेवा आयोग में शामिल भले कि न देवे मिथिला के मान सम्मान बढ़े के बाद एनडीए सरकार और अखन आदरणीय नरेंद्र मोदी ए मैथिली के सीबीएसई कोर्स में जोड़े के काज करे के साथ में यदि मिथिला वासी है इतने सम्मान दले आदरणीय मोदी जी अरे मिथिला के पर बाबा नागार्जुन कहे के हमार विश्व के सबके माथ पर पार पहुंच निहार के है आज मोदी जी है पर डाक टिकट जारी कर के मिथिला के सम्मान एंड पार्क आके दे के काज मोदी जी के लिए है आज हम पूछल चाहे छी जे आई ठम का लोग के और दिल्ली के एम्स में भीड़ लागल रहे चले हम की में 50 बरस में कांग्रेस एक तो एम्स का निर्माण चला दिल्ली में और सदैव अटल बिहारी बनते छोटा एम्स चले और एक तो एम्स बिहार पटना में भी भेज चला और आदरणीय नरेंद्र मोदी 10 तो एम्स देश के दल की तो एक तो एम्स आज मिथिला के केंद्र दरभंगा में भी भर रहा है इन्हें भर रहा है आप कब तक का समझे सरावी जी कहे चले जाओ आई एम सब धला सा कब तक का उपलब्धि है ते छत्र का हटे कि नहीं हटे आई एम सलग विषय मोदी जी बोले आई मोदी जी हवाई अड्डा एक हम से हवाई जहाज आई शुभारंभ करे और निश्चित रूप से दरभंगा मुंबई दरभंगा दिल्ली दरभंगा बेंगलोर और फिर पुणे अहमदाबाद हैदराबाद और इतनी दूर 6 महीने के अंदर दरभंगा से कोनो अहम महत्वपूर्ण राजधानी ले रहा से नहीं जुड़ा यह बात थोड़ा थोड़ा हाल से और घोषणा करे गलत और 8 नवंबर से अहां के भेट गए उपलब्धि आई हम कहे छे जे साहब आदरणीय नितिन गडकरी भारत माला के प्रोजेक्ट के तहत उच्चैठ भगवती से और सहरसा महिषी भगवती तक देश के सबसे बड़का पुल के निर्माण करल जा रहा है और गंगा पर राजेंद्र पुल के बगल में आदरणीय प्रधानमंत्री पुल निर्माण गंगा पर करल जा रहा है आज बरौनी थर्मल तो बंद रहे पूसा एग्रीकल्चर के केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जा के दलक अनेक एहन काज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में भ रहा है कि शाहीन बाग में प्रदर्शन चले और कहे ये नरेंद्र मोदी को जब तक मार नहीं देंगे तब तक ये धरना समाप्त नहीं होगा अमित शाह को मार नहीं देंगे तो धरना समाप्त नहीं होगा ये बच्चा सब बैठम शाहीन बाग में टेलीविजन पर देखे थे किया
हम अहाँ के पूछब गरीब के 5 किलो अनाज भेट गए हैं, 1 किलो दालि भेट गए हैं, एहिठाम जनधन के अकाउंट में 500 टका आ गए हैं, गरीब के गैस घर घर में भेट गए हैं, गरीब के मकान बना दल गए हैं, गरीब के शौचालय के देश भर में निर्माण भ गए हैं, बिजली घर घर लगा दल गए हैं, किसान के 74 अकाउंट में पाए भेज दल गए हैं। नरेंद्र मोदी कहा प्रदर्शन करे हम विरोधी के कह चाहे जे 25 दिसंबर का अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती के अवसर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी न्याय करो किसान के 18,000 करोड़ अकाउंट में पाए 25 दिसंबर के जमा जा रहा है, सब किसान के अकाउंट में पैसा आते। फिर नरेंद्र मोदी गड़बड़ भाग गए, नरेंद्र मोदी के हटा देना चाहिए। नरेंद्र मोदी नव भारत के विश्वकर्मा है, यहाँ के बुध नरेंद्र मोदी आगे बढ़े, मिथिला तुम्हारे साथ है, नरेंद्र मोदी आगे बढ़े और मिथिला तुम्हारे साथ है। और हम सब अहा के माध्यम से कह चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के माध्यम से जो ओ आई मिथिला में आम के और एम्स के शिलान्यास करे और एयरपोर्ट के विधिवत उद्घाटन करे ला आदरणीय नरेंद्र मोदी का आई मिथिला के धरती पर स्वागत छन, अभिनंदन छन, वंदन छन। नरेंद्र मोदी जी बहुत जल्दी अहम लोकन के बीच में से आवे वाला छन, बहुत बहुत धन्यवाद। अहम लोकन के हम देवे चाहब जतेक तमाशा भ रहा है किसान विरोधी आंदोलन किसान छियै है ना, जहन बिल पास होय छल तो राहुल गांधी ए पर बजट पर एक लाइन बाजे ला हाउस में नहीं चला है, ई तो कहे छथिन अल्लू देंगे इधर से अस्पताल निकल जाएगा उधर से, अच्छा कहू अल्लू अस्पताल के जे आदमी के ज्ञान में हो वो किसान के बात की कह सके, वो किसान के बात कह सके। किया ठके छे, किया गुमराह करे छे, अहन देश के लंबा समय तक लूट लड़िए देश के और मिथिला के लोग के गरीब बनेलिए, वो तो बिहार में नीतीश कुमार जी सुशील मोदी जी के सरकार तखन एहिठाम का लोग के विकास देखेले, ओहिठाम अटल जी के समय में तहन सरकार बनल और मोदी जी के सरकार तहन एहि मिथिला में किछु देखा रहल छे। किया ठके छे, किया गुमराह करे छे, ई सब फारस बंद होना चाहिए। और 25 दिसंबर के 11:57 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन पूरे राष्ट्र के सुनबे के सुना रहा है और सबठाम सरकारी कार्यक्रम बनल गए हैं, वही दिन निश्चित रूप से अहा सब सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सभा सांसद सुशील मोदी जी का सम्मान, दरभंगा मोदी जी का सम्मान, हरियाणा सभा के नवनिर्वाचित सांसद माननीय सुशील मोदी जी का सम्मान, दरभंगा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय गोपाल जी ठाकुर जी कर रहे हैं। अरे यार कुछ धक्का मुक्की खाली नहीं कीजिएगा, ये वाले।
आप लोग कब तक कार्यक्रम कर रहे हैं? आप लोग कब तक कार्यक्रम कर रहे हैं? वो सलाह यहाँ नहीं देते हैं। ये क्या उत्तर दिया है?